3 PM बुलेटिन के साथ मैं हूँ जहरा वास्की। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर, रास्तों से कंटेनर हटाने के लिए ताहिरुल कादरी और शेख रशीद का अल्टीमेटम काम कर गया। इस्लामाबाद में कंटेनर हटने लगे, मरी रोड से 2 कंटेनर हटा दिए गए। लाल हवेली के अतराफ रास्तों को खोल दिया गया। इंतजामिया ने शेख रशीद को जान के खतरे का खत लिख दिया। लाहौर में माल रोड से मुलहिक रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए। रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। मरीज अस्पताल ना पहुंच सके। 3 साल बच्चा अस्पताल ना पहुंचने के बाद दम तोड़ गया। शहरियों ने ट्रेलर्स के नीचे से रास्ते निकाल लिए। हुकूमत मुखालिफ रैलियों का रैला, लाहौर में कप्तान का सुनामी तैयार। एहतसाब रैली होगी, शाहदरा से चेयरिंग क्रॉस तक PTI के परचम और बैनर आवेजा। कारकुनों में जोशो खरोश, ढोल की थाप पर भंगड़े, कारकुनों के काफिलों की आमद जारी। इमरान खान के सीनियर पार्टी रहनुमाओं से रैली के हवाले से मुशावरत। ताहिरुल कादरी रावलपिंडी में कसास मार्च करेंगे। लाहौर से काफिले की सूरत में रावलपिंडी के लिए रवाना। कहते हैं कसास मार्च पाकिस्तान बचाओ मार्च है, एहतजाज आईनी हक है, पुर अमन होगा। दहशतगर्दों ने मर्दान में आसान हदफ के लिए शहरियों को निशाना बनाया। वजीर आजम का हमले पर इजहार अफसोस, कहा कराची में दहशतगर्दी का मसला मामूली नहीं, हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। बिजली बहरान के खात्मे और बिजली सस्ती करने को हदफ करार दे दिया। फैसलाबाद में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। दहशतगर्दों का सफाया हो गया, सहूलतकार अभी मौजूद हैं। दहशतगर्द अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे। कौम को छुपे दहशतगर्दों का कला कमा करना होगा। चौधरी निसार की मर्दान धमाके के जख्मियों की आयादत के बाद गुफ्तगु। सानिया मर्दान के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में वकला का एहतजाज, अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट। मर्दान में ताजुर ने शटर डाउन हड़ताल की। मर्दान में खुदकुश हमला करने वाला अफगान बाशिंदा था। खुदकुश जैकेट 8 किलो वजनी थी। बॉल बेयरिंग भी इस्तेमाल किए गए, तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के गैर कानूनी दफातर मस्मार करने का सिलसिला जारी। अजीजाबाद में एक और यूनिट ऑफिस मलबे का ढेर बना दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 22 अगस्त को हंगामा आरई और बगावत के इल्जाम में 10 मुलजिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमान के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुस्तफा कमाल की पाक सरजमीन पार्टी अब तक रजिस्टर्ड ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पाक सरजमीन पार्टी ने अपना झंडा ही फाइनल नहीं किया। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की कराची रिहाइश का, वजीर मेंशन के सामने सफाई मुहिम इल्तवा का शिकार। कचरा कुंडी में मंशियात के आदि अफराद ने फिर डेरे डाल दिए, सड़क पर पानी भी जमा। और क्वेटा में कांगो वायरस का एक और केस सामने आ गया। 12 साल बच्चे में वायरस की तस्दीक। रवा साल क्वेटा कांगो वायरस 10 अफराद का शिकार कर चुका है। मवेशी मंडियों में सफाई और हिफाजती इकदाम ना होने के बराबर, हर तरफ गंदगी से खरीदार और व्यापारी परेशान।